दुनिया भर में इंदौर का नाम रोशन करने वाले शायर राहत इंदौरी के जीवन पर पहली बार किताब लिखी गई है। किताब के लेखक हिदायत खान ने राहत इंदौरी के जीवन से जुड़े सारे किस्से को बयान किया है। इस किताब का विमोचन इंदौर के मेरियट होटल में बुधवार को हुआ। इसमें लेखक ने राहत साहब की किशोरावस्था से लेकर जवानी और पेंटिंग तक के किस्से लिखे हैं। इस किताब में राहत के पहले मुशायरे का भी जिक्र है जो कि देवास में हुआ था, जिसमें राहत साहब को सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन तब से उन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से नाप लिया। किताब लिखने के लिए लेखक ने राहत के परिवार और उन सभी लोगों से बात की जो कि राहत के करीबी रहे हैं, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर राहत इंदौरी कैसे इंसान है, कैसे पिता हैं, कैसे पति हैं और कैसे दोस्त हैं, और अपने दोस्तों को कितना महत्व देते हैं। सभी से बात कर इतना तो मालूम हो गया कि राहत इंदौरी ने जितनी दुनिया देखी है और जिस तरह से देखी है वो किसी ने नहीं देखी होगी। राहत के शौक की बात करें तो उन्हें किताबों से बड़ा लगाव है। जिस किताब को वो हाथ में ले लें उसे घोल कर ही पी जाते हैं। किताब के शीर्षक कलंदर के बारे में कहा जाए तो कलंदर की तस्वीर पर राहत का चेहरा लगा दिया गया है। इससे कलंदर का हक तो पूरा हो गया, लेकिन ये काफी नहीं था। किताब में ये बताया गया कि आम शख्स कलंदर कैसे बना और दुनिया को कैसे राहत दे रहा है। कलंदर की बात करें तो वो अपनों के लिए कुर्बान करने वाला वफादार दोस्त है, औलाद को हौसला देता बाप है, और वो बेटा है जो माँ की सुनता है। वो भाई है जो अपना लिबास छोटे भाई को दे देता है। वो पति है जो पत्नी के लिए समुद्र जैसा है। फनकार है जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता। वही कलंदर है और वही राहत है। कलंदर से आप राहत के दिल में बसे बचपन को बखूबी जान सकते हैं। इसका जिक्र राहत साहब ने भी अपनी कई शेरो शायरी में किया है। राहत अक्सर कहते हैं कि कोई उनसे उनका बचपना छीन कर तो दिखाए। 50 सालों से अपनी शेरो शायरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले राहत साहब के सम्मान में पिछले दिनों जश्ने राहत मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल तो रहे और जो लोग शामिल नहीं हो सके उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये मुशायरा देखा। इस मुशायरे की वीडियो को लाखों लोगों ने अपनी वॉल पर भी शेयर किया। मुशायरा आयोजित कर राहत को सम्मान देने के बाद अब उन पर किताब लिखकर उन्हें एक और सम्मान दिया गया है। राहत साहब पर लिखी गई इस किताब के विमोचन पर शहर के विभिन्न वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मैंने नहीं कहा, और मैंने जो लोग कह रहे थे मुझे ये कहा भी कि माँ अकीदत का मौजू तो हो सकता है, इबादत का भी मौजू हो सकता है, लेकिन शायरी का मौजू कभी नहीं होगा। इसलिए शायरी में माँ को इस्तेमाल नहीं किया। माँ को इस्तेमाल करने माँ अजीब गरीब लफ्ज है, इतना इंडियो इतना अजीम लफ्ज है कि पत्थर का एक बुत सामने रख दिया जाए और उसके सामने माँ के बारे में बातचीत करना शुरू की जाए, तो मेरा दावा है कि उस पत्थर के बुद्ध की आंखों से आंसू निकलेंगे। एक दिल से जो श्रोता होते हैं, जो सामयीन होते हैं, उनके साथ ब्लैकमेलिंग होता है। मैंने कभी कभी कहीं कहीं, क्योंकि मैं भी मेरी माँ की गोद में पढ़ा हूँ और जो बचपन देखा है, जवानी देखी है, तो माँ के बगैर तो कुछ मुकम्मल नहीं होता है। दो तीन शेर सुनाता हूँ जिसमें मेरे पहले मतले में ही मैंने माँ को पेंट किया। एक पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत एम एम सेन ने बनाई थी जिसमें उन्होंने मदर टेरेसा को पेंट किया था, और
मकान था जो करोड़ों रुपए की कीमत रखी। मैंने दो लाइन लिखी है, मत लिखी, उसके बाद दो शेर पढ़ूंगा। मुझे मालूम है कि शरीफ लोगों को कैसे शेर सुनाने चाहिए और हिदायत के सामने जो मुशायरे होते हैं उनको कैसे शेर सुनाने। दो गज टुकड़ा, दो गज टुकड़ा उजले उजले बादल का, दो गज टुकड़ा उजले उजले बादल का, याद आता है दुपट्टा मलमल का। दो गज टुकड़ा उजले उजले बादल का, याद आता है एक दुपट्टा मलमल का, एक दुपट्टा मलमल का, खुले खुले से रहने के हम आदि हैं, खुले खुले से रहने के हम आदि हैं, ध्यान किसे है दरवाजे की सांकल का। खुले खुले से रहने के हम आदि हैं, ध्यान किसे है दरवाजे की सांकल का, देखे कितने दिन में पहुंचोगे तारों तक, देखें कितने दिन में पहुंचो तारों तक, ऊंचाई तक एक रास्ता है दलदल का, ऊंचाई तक एक रास्ता है दलदल का। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।